अगर ये इंसान कर सकता है यूट्यूब से अपनी सारी चीजें, अपने शौक पूरे कर सकता है, तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। एंड बिलीव इट और नॉट, मुंबई में मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी वो ये लाइन बढ़िया है। कल मुझे पता नहीं क्यों भूत चढ़ गया कि मुझे अपनी पुरानी वाली फिजिक वापस चाहिए, तो ट्राई करते हैं। तो आज से दोबारा से वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, और ये ट्राई रहेगा कि रोज वर्कआउट के लिए टाइम निकालो नो मैटर व्हाट। और जिम जाना तो अभी हो नहीं पाएगा, सेफ नहीं है, तो घर में ही करेंगे जितना हो पाता है। नहा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ, फटाफट से कपड़े पहनते हैं। और आज मैं सोच रहा हूँ, बताता हूँ क्या बात है कुछ ऐसी। मुझे जाना है आज कॉलेज अपनी डिग्री का पता करने। मैं 2017 में ग्रेजुएट हो चुका था, बट डिग्री मैंने अभी तक नहीं ली है कॉलेज से। तो आज कॉलेज जाते हैं, पता करते हैं कि डिग्री का क्या सीन है यार। कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी मेरी। अब देखो, कुछ लोग ना मेरे से पूछते हैं कि आप जितने भी अपैरल्स पहनते हो या जो भी एक्सेसरीज आप यूज़ करते हो, आप उनके बारे में बताते क्यों कि कौन से ब्रांड का है क्या है। तो इसके दो रीजंस हैं, ठीक है। पहला तो ये, एक सेकेंड, पहला तो ये कि आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेरे से कमेंट सेक्शन में या डीएम करके या फिर मेल में मेरे से पूछते हो कि आपने वो स्वेटशर्ट कहाँ से ख़रीदा या वो शू आपने कहाँ से ख़रीदा। मुझे लोगों ने लिटरली मेल कर रखे हैं कि आपने वो शू कहाँ से परचेज़ करा और कितने का परचेज़ किया। इसलिए वीडियो में बताता हूँ, पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि ब्रांड की नज़रों में आने के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मेन चैनल पर, मेरे फूड वाले चैनल पर, मैंने डोमिनोज पर काफ़ी वीडियोज़ किए और उनके प्रोडक्ट्स को मैंने काफ़ी अच्छे से शो किया अपने वीडियोस में, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। और अभी हाल फिलहाल मैं उनके यूट्यूब में एड्स में आता हूँ, मैं उनके स्नैपचैट के एड्स में आता हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती कि मैं किसी ब्रांड की नज़रों में आ जाऊँ। यू नेवर नो यार, मैंने डोमिनोज के बारे में कभी नहीं सोचा था। और हाँ, दो नहीं तीन रीज़न है। तीसरा रीज़न ये, मैं अपनी लाइफ से रिलेट करके बताऊंगा। मैं केसी नाइस्टैट के बहुत ब्लॉग्स देखता था और वो अपने वीडियोस में अपनी चीज़ों को ऐसी फेंक के रखते थे, मतलब महंगी से महंगी चीज़, जो कि लोगों को लगता था कि शो ऑफ कर रहा है। बट कहीं ना कहीं मेरे लिए वो एक मोटिवेशन सा था कि यार, अगर वो इंसान यूट्यूब के थ्रू ये सब चीज़ें कर सकता है, तो शायद से मैं भी कर सकता हूँ। और मेरी वीडियोस में आप जितनी भी चीज़ें देखते हो ना, इस रूम के अंदर जितनी भी चीज़ें, टेबल, बेड, मेरे अपैरल्स, मेरे परफ्यूम, शूज़, जो भी है इस रूम के अंदर, वो सब मैंने अपने पैसों से खरीदा है, अपने मेन यूट्यूब चैनल की अर्निंग से खरीदा है ये सब चीज़ें। तो मैं लिटरली ऐसा सोचता हूँ यार दिल से, कि हो सकता है कि कोई मेरी वीडियोज़ देख के ये थिंकिंग, ये फितूर अपने दिमाग में बिठा ले कि यार, अगर ये इंसान कर सकता है यूट्यूब से अपनी सारी चीज़ें, अपने शौक पूरे कर सकता है, तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। मैं तो यार खुद को बहुत ही मतलब छोटा समझता हूँ। YouTube कम्युनिटी की अगर आप बात करो, तो इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं ना, ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अपनी ज़िंदगी नहीं, उन्होंने अपनी दो तीन पुश्तों की ज़िंदगी बदल दी है YouTube से। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप फूड वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दो या कुछ भी, बट जिस भी चीज़ में आप अच्छे हो, डजंट मैटर कि आप कोई परमानेंट जॉब भी कर रहे हो, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर यूट्यूब को दोगे तो एक आपकी साइड इनकम हो सकती है। यही चीज़ सोच के मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, और यूट्यूब अब मेरा फुल टाइम हो चुका है। मैं अपने मम्मी डैडी के पैसों से चीज़ें खरीद के आपको नहीं दिखाता हूँ कि ये देखो, नहीं, जो भी चीज़ें मैंने खुद अर्न करी हैं अपने यूट्यूब चैनल की अर्निंग से, वही चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको भी ये बात समझ आए कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। शू के बारे में पूछा था, हाँ, कि शू मैंने कहाँ से लिया, अपना नाइकी डंक पांडा लो, ये मैंने इनसे परचेज किया था। एंड बिलीव इट और नॉट, मुंबई में मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी वो 10,000 रुपये थी एक महीने की।
तो स्ट्रगल वाले दिन हमने भी देखे हैं, ऐसा नहीं है। एसेंशियल्स भाई, अपना मास्क, अपना वॉलेट, अपना माउथ फ्रेशनर, ये भी रख लो। ते जाऊँ, मम्मी बोल रही ऐसे चले जा, मैक्स लगाने की जरूरत नहीं, टोपी पहनने की जरूरत नहीं है। यार नहीं यार, बहुत अजीब से लग रहे हैं। चुप रहा यार, इतना अच्छा लग रहा है, किसने कहा अजीब लग रहा है? मुझे खुद को अजीब लग रहे हैं। तुझे लग रहे होंगे ना? मान ली जाएगा मम्मी की बात, मान लेते हैं। बाहर से शॉट लेना था यार, ये गाना ना मैं आजकल दिन रात सुन रहा हूँ, और बहुत सालों बाद एक ऐसा गाना मुझे मिला है जिसको सुन के ना मुझे डांस करने का मन करता है, जबकि मुझे डांस आता नहीं है। एकदम स्लो स्लो डांस, बहुत ही प्यारा, वैसा मन करता है इसे सुन के। सुबह को आँख खुलते याद तेरा आना, ये कैसा माजरा है जाना। अब 3-4 दिन तक आपको ये गाना सुनने को मिलने वाला है मेरे वीडियोस में। मेरी ना बुआ की थोड़ी तबीयत खराब है, तो मम्मी डैडी तो कल उनसे मिल के आ गए थे, बट मैं नहीं मिल पाया था। तो अभी मेरी यूनिवर्सिटी वाले रास्ते में ही बुआ का घर भी पड़ता है, तो पहले बुआ से मिल लेते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। अब तो खैर उनकी तबीयत ठीक हो चुकी है, बट स्टिल मिलते हैं। उनके पास ना डॉग है, काफ़ी हट्टा कट्टा है वो, तो ऐसे नहीं घुसा जा सकता। आयशी मार्च में हो सकता है। आप क्या व्लॉग शूट कर रहे हो? हाँ यार, ये मेरी बहन है। अरे आयुषी और भूमिका राणा, अभी यूनिवर्सिटी जाता हूँ, एक दिन फुर्सत से आऊंगा। मेरी दो बुआएं हैं, दोनों बुआ आसपास ही रहती हैं हम लोग, एक कजन बुआ थी और एक सगी बुआ। ऐसी अपनी यूनिवर्सिटी, डिग्री लेने आया हूँ। अच्छा डिग्री, जाओ। अकाउंट्स डिपार्टमेंट। पुरानी यादें ताज़ा हो रही है मेरी। अभी चल रहा है लंच ब्रेक, ये देखो अपना ग्राउंड, और ये सभी फैकल्टी लोग हैं जो खेल रहे हैं। आज बच्चों की छुट्टी है क्योंकि। अरे भाई साहब क्या हाल है? मैं देख रहा हूँ बंदा आ रहा है इधर को। क्या है भाई, पूरा ऑफिस यहाँ है। ऐसा ये यार, इसलिए आ गई बॉल सुनते बास्केटबॉल कोर्ट सिटिंग एरिया, और ये है अपना बैडमिंटन कोर्ट। अभी ग्राउंड मार के मैं आपको दिखा देता हूँ कॉलेज का, कि क्या क्या है इस कॉलेज में। कोविड की वजह से कॉलेज बच्चों के लिए बंद हो चुका है, बट ऑफिस वालों को आना पड़ता है। यह है गर्ल्स हॉस्टल, पहले इतना ही था, अब ये और बड़ा करने से। और ये है अपना डिपार्टमेंट, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। याद है हम लोग इधर बैठते थे लंच ब्रेक टाइम पे। ये है हमारी लाइब्रेरी, और इसी साइड था हमारा क्लासरूम, और इस साइड थी सीनियर्स के क्लासरूम। जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे बैचमेट्स, उनकी भी यादें ताज़ा हो रही होंगी। सेंट्रल लाइब्रेरी, कैंपस बहुत बड़ा है अपनी यूनिवर्सिटी का, मतलब सर बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। वीसी रेजिडेंस ये है, और ये कोई और बिल्डिंग है, कोई नया डिपार्टमेंट बन रहा होगा शायद। वैसे गोल चक्कर रहता है ना जैसे चंडीगढ़ में, वैसे अपनी यूनिवर्सिटी में। बीच में फाउंटेन है। मैं ना 3-4 महीने में कॉलेज के हॉस्टल में भी रह रखा हूँ, कुछ काम की वजह से मेरे को रहना पड़ता था, तो 3-4 महीने मैंने हॉस्टल में भी बिताए हैं। ये है बॉयज़ हॉस्टल, और यह है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, ऊपर फ्लैग है अपना। ये है कैफेटेरिया, कैंटीन वगैरह, और ये है अपना MBA सेक्शन, MBA वालों की बिल्डिंग। लैंग्वेज वालों की बिल्डिंग पीछे रह गई यार, वो दिखाना भूल गया मैं आपको, बट ये MBA वालों की बिल्डिंग है। ये भी कैंटीन एरिया है। लेक्चर हॉल, अच्छा ये लेक्चर हॉल बना है भाई। ऑफिस वाले भी अब वापसी आ रहे हैं, तो सही है, मैं फटाफट से गाड़ी उठाता हूँ, एडमिन ब्लॉक में जाएंगे। ये वाली बिल्डिंग शायद से चाइनीज डिपार्टमेंट वालों की है, और ये रहा अपना ग्राउंड, इधर बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, और ये अपनी गाड़ी। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मैं जमा कर चुका हूँ, जितने भी चाहिए थे मुझे अपनी डिग्री लेने के लिए, नो ड्यूज़ वगैरह सब साइन करा के मैंने सर को दे दिए हैं। अब सर मेरे को इन्फॉर्म कर देंगे मंडे या ट्यूसडे को, जब भी डिग्री लेने के लिए आना होगा, तो एक और चक्कर मेरा होगा यूनिवर्सिटी का, बट कोई बड़ी डील नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी मेरे घर से काफ़ी पास है। टाइम हो चुका है 4 बज चुका है यार, 1:30 बजे आ गया था मैं, और 4 बज चुका है, टाइम लग ही जाता है इन कामों में। निकलते हैं,
बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। कल का क्या है? कल का तो प्रोग्राम शैले चौहान, दिस इज मिस्टर सौरभ बंगवाल। कल आपको इनसे मिलाया जाएगा। बिल्कुल तैयार होकर आऊंगा मैं भी मुंह धोकर। हाँ, क्योंकि कल हम जा रहे हैं मसूरी। घुंघराले ही है मेरे बाल भाई। तो घुंघराले बाल का अपना एक अलग मजा है। यार मेरे ऐसे करवा दे यार परमानेंट। नहीं 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 मैं करवाई अभी नहीं। चलो फिर मिलते हैं कल। इधर सौरभ बंगवाल जी हमारे से तो काफी बड़े हैं, लेकिन हमारी दोस्ती हो गई थी स्नूकर खेलते हुए। मैं पहले कॉलेज टाइम पे स्नूकर खेला करता था थोड़ा बहुत। कल जिन लोगों के साथ मैं मसूरी जा रहा हूँ वो सब के सब लोग स्नूकर में मिले थे मुझे। 2017 में स्नूकर खेलता था, 16-17 में। तो अभी तक हमारी दोस्ती चल रही है, और ऐसी दोस्ती है कि मैं इन्हीं लोगों के साथ जाता हूँ बाहर, इन लोगों के साथ या फिर भाई के दोस्तों के साथ, स्मित भैया औरों के साथ। संडे को अपना मकबैंग करता हूँ, बट संडे कल क्योंकि हम अब मसूरी निकल रहे हैं तो मैंने मकबैंग कल कर लिया था, मतलब फ्राइडे को। तो अब उस मकबैंग की एडिटिंग करनी है मुझे आज, तो उसमें तो आपको क्या ही दिखाऊंगा मैं। तो कल मिलते हैं मसूरी के लिए जब हम निकलेंगे उस टाइम पे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ये लाइन बढ़िया है। मुझे